आज हम पढ़ने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन जानने से पहले हमें दो बातें जानना ज़रूरी है, वह है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और आर्मेचर फ्लक्स क्या होता है। मेन मैग्नेटिक फ्लक्स वो फ्लक्स है जो जनरेटर के पोल से निकलता है, मतलब जनरेटर के पोल पर जो वाइंडिंग की जाती है उसमें करंट जब फ्लो होती है तो उससे फ्लक्स निकलता है, उसे मेन मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और दूसरा होता है आर्मेचर फ्लक्स, मतलब कि आर्मेचर के जो वाइंडिंग से फ्लक्स जनरेट होता है उसे आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई एस यहाँ से दिखाया गया, सर्कुलेट लाइन दिखाया गया। अब आर्मेचर फ्लक्स क्या होता है कि मेन मैग्नेटिक फील्ड पर जो आर्मेचर फ्लक्स द्वारा, यानी कि जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं उस पर आर्मेचर फ्लक्स द्वारा जो प्रभाव डाला जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स द्वारा, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा मेन फील्ड पर जो प्रभाव डाला जाता है उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो क्रॉस मैग्नेटिक आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि जब मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों लंबवत हों तब ऐसे रिएक्शन को, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर आर्मेचर फ्लक्स जो है वह मेन फ्लक्स के लंबवत है, तो इस रिएक्शन में जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वह मेन फ्लक्स को यहाँ पर देखिए नीचे दबाने का प्रयास करेगा, और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। इससे इसका जो शेप होता है वह चेंज हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। तो इस प्रकार मेन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस प्रकार जो रिएक्शन होता है वह क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या आर्मेचर रिएक्शन होता है। दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। इस आर्मेचर रिएक्शन में दोनों फ्लक्स, मतलब फाई मैक्स मेन मैग्नेटिक फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स जो होता है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, मतलब ख़त्म करने का प्रयास या कम करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो इस प्रकार हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में जाने कि आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन और डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन।